आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में पीस पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कभी भी कहीं में निकलो, कहीं शांति नहीं मिल सकती ना अपने दिमाग को, नॉर्मल भी शांति नहीं मिलती। और अरे मैं नहीं बोल पाऊंगा ये सब। टाइम ही नहीं मिलता इन सब के बारे में सोचने का। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे माहौल में शांति लाना संभव है। मुश्किल है, करियर ओरिएंटेड हो रखा है सब कुछ। शांति इन व्हाट सेंस यू टॉकिंग अबाउट, लाइक वायलेंस एंड ऑल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, ऐसा कभी थॉट तो दिया नहीं इस चीज को। नहीं, हम तो शांति भंग ही करते हैं। अगर शांति होती है तो अच्छा ऐसा लगता है कि वो शांति क्यों है, शांति नहीं होनी चाहिए। शांति मींस नो नॉइज पोल्यूशन। आपको डेली लाइफ में कभी शांति की जरूरत महसूस होती है? मेट्रो में बहुत ज़्यादा, हर दिन वी हैव टू ट्रैवल थ्रू दैट। कभी कभी जब बहुत काम होता है, बहुत प्रेशर होता है, तब तब। बहुत बार, बहुत ज़्यादा। जब डिप्रेस्ड होते हो या फिर तो आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के सोच रहे हो। यंगस्टर्स को कभी शांति की जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो। कॉलेज में ही होती है, इतना शोर शराबा हो रहा होता है, फिर लेक्चर होते हैं तो शांति हो जाती है, फिर सो जाते हैं। वो तो सही है, सब सो जाते हैं फिर। जब बहुत लोग डांट रहे होते हैं तो शांति चाहिए होती है। प्लीज चुप हो जाइए आप सब, अब शांति चाहिए। घर पे जब आप सोते हैं, उसके सोने से थोड़ी देर पहले, व्हेन यू लाई डाउन, दैट देयर इज दैट मोमेंट जब आप सोचते हो आपने पूरी दिन में क्या किया और अपने किसी को हर्ट किया या आज मैंने क्या गलत किया। हाँ, जरूरत महसूस होती है शांति की। दो मिनट बैठ के सोचती भी हूँ, बट दो मिनट बाद फिर काम याद आता है कि शांति तो ले ही नहीं सकते, बैठ के सोच नहीं सकते आराम से। जब आप खुश होते हैं तो आपका दिन कैसा जाता है? बहुत अच्छा जाता है। अच्छा ही जाता है, और क्या, आज भी अच्छा जाएगा। अच्छा जाता है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना इज वेरी गुड। खुश होते हैं तो अपने आप को फील करते हैं, सब अपने आसपास जो होता है सब कुछ अच्छा अपने आप ही लगने लग जाता है और सब चीजों को फील करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से आपको शांति मिलती है? अभी मुझे किसी भी चीज से शांति महसूस नहीं होती, बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, बहुत ज्यादा माइंड एग्जॉस्ट रहता है। आई लिसन टू म्यूजिक। मैं किसी से बात नहीं करता, अकेले रहता हूँ तो कुछ टाइम बाद फिर मेरे को ठीक लगने लगता है। मैं थोड़ा डांस वांस भी कर लेती हूँ तो मुझे और शांति मिलती है। आई लव क्राफ्टिंग, तो इट्स लाइक माय पैशन, सो आई डू दैट, आर्ट एंड क्राफ्ट, आई डू दैट फॉर पीस। गाने सुनते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्या शांति किसी पर्टिकुलर क्लास या फिर पर्टिकुलर एज ग्रुप को चाहिए? सबको चाहिए। शांति बहुत जरूरी है यंग जनरेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल की यूथ की लाइफ बहुत हेक्टिक है। कॉलेज है, इंटर्नशिप भी करनी है, जॉब की वो इंटरव्यूज देने हैं, इधर इधर हो रहा है रिजेक्शन, इधर जाना है उधर जाना है, ऊपर से गर्लफ्रेंड्स। यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन से क्या मतलब है इसका, शांति तो सबके लिए जरूरी है। ह्यूमन होने का एक एसेंशियल हिस्सा है पीस। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई शांति की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इट्स अ वायलेंट वर्ल्ड। पीस को लेके मैंने तो ऐसा कभी कुछ आसत किया नहीं, कुछ ट्राई नहीं किया कभी। फ्रेंड्स को गाइड करके पीस लाए, उनकी लाइफ में पीस लाते हैं। कभी कभार क्लासरूम में जैसे जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं उनको ऐसे हम गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी दूसरे बंदे के लिए। अगर हम ये सोचते रहे ना कि दूसरा, मतलब ये कॉम्पिटिशन की भावना जो है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जो जिनको जानते हैं उन सबको साथ लेके हम लोग छोटे ग्रुप से ही अगर स्टार्ट करें, कुछ साथ में बैठ के, एंड देन लोग स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करते जाएंगे कि अच्छा हाँ ये सक्सेसफुल है, तो और ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। और उसके लिए मैसेज हम जैसे वी लाइक पेंटिंग, हम लोग पेंटिंग के थ्रू भी वी कैन गिव अ मैसेज, वी कैन क्रिएट पोस्टर्स साथ में होके। अगर आप शांत, खुद को शांत करना सीख जाओगे तो सराउंडिंग विल बी शांत ऑलरेडी। अगर आप शांत हैं तो फिर सामने वाला बंदा आपसे एग्जैजरेट होकर कभी बात नहीं कर पाएगा। आई थिंक थोड़े टाइम के लिए बस बैठ के सिर्फ सोचना चाहिए और रिफ्लेक्ट अपॉन योर डेज, जो जो आप करते हो और एक्शंस यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन, टेक अ ब्रेक एंड थिंक। लोग अपने अंदर जितना चेंज लाएंगे, अपने चेंजेस को समझेंगे, इश्यूज को समझेंगे, और वो जब इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी होंगे तो ही वो कर सकते। मेजॉरिटी इज यूथ, सो आई फील दैट हम सबसे ज़्यादा हमारी बनती है, हम ही जब आगे, यू नो वी आर द फ्यूचर। हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अगर चीज़ें आज के दिन में ख़राब हो गई तो आगे इससे ज़्यादा ख़राब ना होए, एटलीस्ट हम उसको तो ठीक कर सकते हैं जो हमारे पास अभी तक ख़राब हो चुका है ओवर द ईयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हर जनरेशन की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स की है। तो जब
युवा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा तो ही आप चेंज ला सकते हो। हम खुद अंदर से पीसफुल रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन भी पीसफुल रह सकेगी और हमारी जो हमसे बड़े लोग हैं वो भी पीसफुल रह सकेंगे। I think if we try, then peace is possible, but we have to try. खुद से कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे सोच के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। मैं नहीं कह सकती कि अगले 2 साल में संभव है, पर कभी ना कभी तो है। What we can do is कि हम अपने efforts डालें and let's hope for the best. मेरा यही मानना है कि अगर आपको कुछ करना है तो अपने से शुरुआत करो। जब सब अपने पर्सनल लेवल पे सोचेंगे इस बारे में तो हाँ, जब सभी करेंगे तो इट विल कम आउट गुड।